हाँ भाई चले। हाँ जी मैडम। मना न्यू बता। चट जाओ आप एक मिनट, पहले आप यो खाओ पिट्ठे की मिठाई, कत्ती बढ़िया वाली ले गए हूँ रामचंद्र हलवाई के थे, खाओ। अरे यो तो ठीक से न्यू बता, हमने कद बड़ा केस मिल लगा जिससे मेरी प्रमोशन हो जाता आवड़ी सी। मैडम जब अपनी किस्मत है माड़ी हो तो प्रमोशन कितने होगी आपकी बताओ आप। देखो आज कोई कबूतर आ जावे और आपकी लॉटरी सी लाग जावे। देखते हैं भाई कि सा कोई कबूतर फंस जा, फड़फड़ाता सा कोई केस आ जा। मेरा बुली सासू के तू डॉक्टर से हैं हैं दवा मतलब डॉक्टर है ओडला मेला बेल लोग ये जने पाल कर रहा वैसा का डॉक्टर लग गया है हैं तेरा मेरा जीरा बंद कर दिया हैं सारी आंख लेटरी बैठे रहूं तेरी उस पे। चल तू आस्तन में बिस्तर करवाऊंगा बेटे, चल चल तू चल आस्तन बेटे बिस्तर करवाऊंगा चल तू। अरे ताऊ आराम से, के बात होगी ताऊ? ताऊ बैठ जा, बैठ कर बात कर। हाँ ठीक से बेटा बैठे हैं, आ जा मैं बताऊंगा तुम्हें, बैठ बैठ जा बैठ कर बात कर। हाँ ताऊ के बात होगी, क्यों दुखी हो रहा है? ए बेटी तन मैं के बताऊं, सारी जिंदगी तबेटी मेरी गोड्डा के दर्द ने खा ली, कभी सही बताऊं और रही सी जो थोड़ी बहुत बच रही है ना वही डॉक्टर की वजह से है ना, सारी जिंदगी में लेट नहीं मैं डरना लग रही है बाकी की, बहुत दुखी हो रहा हूं बेटा मैं तो। के बात होगी, अरे यो कौन सा है? ए बेटी यो से डॉक्टर, देखिए तने की तो डॉक्टर लग गया से, देख इके चुंडे ना देख देख बाजू मारी भैंस नहीं से वरा मो हैं उसकी पूछ में भी ना इत कम बाल से, देखिए इसे डॉक्टर हो से। ए बेटे मन तो ईसा लग गया है, यो तो भैंसा का डॉक्टर से। ए बेटा बेटे ने जोटे वाली दवाई दे दी, मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूँ, देखिए डॉक्टर ने देखिए ये सतर्मक ने देखिए देख देख डॉक्टर लग गए तेने यो है होया के ताऊ मुझे बता। होना तो के था इस पेंडे से तेरा कल गोली ली थी मेरे बेटी, असल में ना गोड्डे में दर्द रह गए और के बताओ मन ने तो इसी सोची थी कि मेरे तो है ना गोड्डे की ग्रीस सी खत्म होगी, मगर ऑयलिंग आयलिंग करवा लूं थोड़ी सी, मैं मसाज करवा लूं और दो गोली ले आऊं, पर ये पेंडे से है ना इसी गोली दे दी, गोड्डे की चढ़ चढ़ तो बंद ना हुई पर मेरी सासू के नीचे तो है ना पटर पटर चलनी होगी, बहुत दुखी हो रहा हूँ मैं तो, मेरी सासू की तरह नाश कर दिया। और बेटी पटर पटर तो छोड़ तू सारी आना ना बहुत तरीता ही नहीं है चमट्टो, उन्हें बेटा एक सालगिरह पहने एक सुतरा मग्गा दिया था, सारी आना उन्हें खेत में लेकर बैठा रहूं लू लटकाता जयबे की वजह तो सारा नाश हो रहा है मेरा कति। और बेटी एक बात और बताऊं, कल ना मेरी धोती में पिचकारी निकल गई थोड़ी सी पाद मारती आना, सारी धोती खराब हो गई थी, जो सारा नाश ना डेढ़ के बीज की वजह से है, जो टेढ़ी दवाई दे दी बता चलड़ चलड़ लकड़न लाग रही कति गोड्डे में तभी और पीछे तभी नाश हो गया मेरा तो। ओहो ताऊ जो तो बढ़िया विचित्र समस्या होगी आप गल्ला। हाँ भाई डॉक्टर नु बता तू क्या कहना चाहो इसके बारे में? जी मेरे बाबू का फोन आवा था बार बार। क्या क्या थी वा? नु कह बते की साग सब्जी ली आई है ना तो रोटी नहीं मिल लगी और माँ का हटा तो खा लिए। अरे जी इसके चक्कर में चढ़ चढ़ की जगह पटर पटर सुआ लग गया। डेढ़ के बीज नाश खड़ा था ना मेरा। ओहो ये तो बहू का रोना से। और के जी मेरी बुंडी पानी पड़ी है। ताऊ बात इसी से, यो है बालक ओ जे आकर गलती तू नू कर अपनी धोती ना टट्टी आली इस डॉक्टर ने दे दे, यो लील गेर के प्रेस करके तने दे देगा। ताऊ एक काम और करिए, जाती आना ना एक दर्जन केले और ले जा, जो तेरे से टपटर लाग रही है ना या और बंद हो जाएगी तेरी। सही कहे बेटी, ये सारे काले मन ने चबाने पड़ेंगे। अरे वो डॉक्टर। हाँ ताऊ। मेरी धोती ले जिए जी, हाँ पचकारी छूट रही से। ठीक है ताऊ। हाँ और ना एक गुल टटपाएगी ना उसमें तो तेरे चुंडे ना पैट दूंगा। ठीक से ताऊ। हाँ कति बड़े तेरा प्रेस गार्ड के लिए आइए। ठीक से साहब, राम राम फिर मिल लूंगा। राम राम ताऊ, राम राम। पहले तो ना इस ससरे के ना ये चुंडे पड़वाऊंगा, इन्हें मैं ना मानस बना दूं, पहले चल रहे खड़ा हो तू। चल मैं सासू की चल चल यार दिया यार दिया इस सासू की। अरे क्या बात होगी, क्यों लड़न लाग रहे हो? आराम से बैठो और सारी बात बताओ मने। चल बैठ तन मैं कराऊंगा भीतर चल। जी मैडम जी मैं तो है ना इस आदमी तो बहुत दुखी होली, मेरा जी कल के बोला यो नू बोलिया नू आंगली पाड़ क्यों जी क्यों नू बोलिया कि ना नू आंगली पाड़ेगी ना तेरे मुंह पर नू पिचकारी मारूंगा, बल्कि सारे मुंह पर ना कति लाल लाल ऐसी सुर्खी सी लगाई जी ने, देखो जी मेरे तो कुबड़ी भी होगी ईसा से हो मेरे जी। अब नू करो इतने कैसे मुंह आई ना भीतर कर लो भाई रे, तू चुप हो जा
मैडम आप बोल लो क्या बात होगी। ए जी क्या बताओ जी, मेरे तो खराब फूट गए जी, नमाज कर रखा मेरा। जी थूक तो बुलाओ मन्ना, साफ साफ बताओ क्या बात से। मैडम जी मारी ना पिछले महीने ना संतरा का ब्याह था, और जी उसमें ना मारी पतासो और चमट्टो दोनों ना ये सुतरे सुतरे पला जोड़ जम फर गाड़ कर रही थी ना कति नास जी, और जी मुंह पे ना इतनी चटनी रगड़ के है ना ऐसी क्रीम ला कर रही थी, और जी सुधी सुतरे लिपस्टिक ला कर रही थी, रात में भी कति एलईडी बल्ब की तसे थी जी। जी मुद्दे की बात पे आओ। हाँ तो जी उन्हें देख के है ना मैं भी जी 6-7 क्रीम लगा के अनूप अनुली पर पुट्ठी करके चली गई थी, वो जी नू लगानी पड़ी ना ई ना जो विमल की वो पचकाई नहीं मारी जी नू वो की वजह से जो गोमड़ी लकड़ी थी वो ढकनी भी तो थी मने, और जी होया के चमट्टो अरु पतासो दोनों ने जी मैं 4 लोग भैया गटोक दी, और जी फिर मैं इस तन्नू बोली ए चिंटू के पापा मेरे ती गोमड़ी ढकन थी ना कोई सुतरी सी क्रीम ले दे। फिर के जी मेरे तो यू बोलिया जाए रोए का के ना तड़के उठ के अपना बासी थूक ला लिया घूमड़िया के ठीक हो जाएगी, और जी रही सही कल रात ते नकदी चाला पाड़ दिया मेरा क्या करया जी थोड़ी रोटी कागज लेके और अपना थूक ला कन्नू, और जी मेरे सारे मुंह पर लगा दी जी जित घूमड़ी हो रही थी जी कति स्पाइडरमैन ने बना दी ना मैं रात में जी। वो तो भाई साहब की स्पाइडर बनती है किससे की ताती को ना और इनकी जाती को ना जी, सारी किस्से की सुनोगे के मेरी की सुनो ना आप भाई साहब थोड़ा उड़े ना हो समझ सकूँ आपकी वक्ता ने सही गोटे थोड़े रखे आपने और के जी। हाँ जी आप बताओ जी, पिछले महीने ना सदर बाजार से एक कट्टा भर के लिया था क्रीम के इस टाइम, अरे कोई तो लगा कर मुंह मुंह पे जी, अरे या बनोन गोटे ताई क्रीम लगावा है जी जी, और सुनो रात ने लागी मेरा मौत की दाब, मैं उल्टा आया ना देखा था ज्ञान सी पड़ी बैड पनू, मैं डर गया डर का मारे चिल्ली मारी कि यार ज्ञान मन्ना के बेरा थी या मेरी ज्ञान से जी। देख लो जी आप चुपके मार लाग रहा है मेरे आपकी सामी भी पीते ही तोड़ कर आकर रखी है मेरी। भाई साहब मैडम आप दोनों पहले मेरी बात सुनो, तड़के तो लगा लिया करो आप थूक वाले कागज, यो भाई साहब बिराज जी रात ने लगा लिया करो करीम, यो के बात कर रहे हो जी आप। अरे भाई साहब रात ने चोर बनन का भी खतरा कम हो जाएगा, अरे भाई साहब इस बूतनी ने इस डैन ने देख कर हम पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हो गए तो चोरा की क्या औकात जो घर में बढ़ जा। बात तो सही कहो मैडम आप न्यू करेंगे ठीक से। राम 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 राम, राम, राम। अरे थारा के रोला हो गया, आके बैठ के बताओ। आओ जी बताओ है आजा। मैं आया जी ये लेकर है ये मित्र कर रहा जी काल है ना इसने ना मेरे ना कड़ में गने मारे पूरी कड़ में ना लीले लील गए रखे ना मेरे मैं सासु के आड़े में ना टिकती देख लो जी क्यों कर बोला है। अरे अरे सलमान खान बन रहा है तू बताओ धन में। अरे बात तो बूझ ले पहलवान क्यों ताता हो रहा है। मैडम जी आप बताओ क्या बात से। मैडम जी जब ते है ना मैंने कभी ब्याह लिया ही उन्हें जब ते मैं घड़ी दुखी हो रही हूँ बेरा जी यू के बोलिया मेरे तो सुहागरा ताले दिन नो बोला जी के ने तू अपने घर आना अपने माँ बाबू तो बता का ये ना कि अड़े सोवेगी तू है कहते तेरे बाबू तड़के तड़क मारे उलाना लेकर आ जा कि मारी छोरी तुम रात ने अड़े सोवाली बार तो बताई भी को दिया तेरे जी है। अरे मैडम जी पर सुखी बात से सारे घर में मैंने पोचा मार रखा था, अरे ने पोचा कति आला हो रहा था, और जी सारे पोचे में नू टपक टपक चाल चाल कर जी पेड़ करते हैं सारी मेहनत खराब करते हैं, और जी और तो और सारे ना जो मेरे बालक से जितने भी सारे बिगाड़ दिए जी ने अपने जी से, जब देखे जी जब पोचा मार दूंगी ना जब मैं इलेक्ट्रिक कट बनाएंगे जी सारे का पेड़ करते हैं पूरा नाश कर दे जी तो की वर्गी मैं तक जी याद कोई बात ना हुई सूखे पीछे आ जाएंगे जी। समस्या तो मैं बताऊंगी ना अपने असली बात तो बोलो जी बोलो तावड़ी बोलो जी। कल के होया मेरी ना माँ का फोन आ रहा था जी, 2 महीने में एक बार तो फोन करे है मेरी माँ, और जी होया के उस चक्कर में ना थोड़ी सी रोटी जल गई, और वो रोटी जली उड़े ना मैंने तक खवा दी इन जी के करया मेरे माथे में ना थाली फेंक के मारी जी, मेरा गड़ा घूमड़ा भी लकड़ाया ताड़े इतनी मुंडी थाली फेंक के मारी नू बोला मिड़ते के ना तेरा गू खा लूंगा तेरे बलका खा लूंगा पर तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा नू बोला जी मिड़ते। फिर के जी होना के था
मेरे बालक जी इतने इतने से हैं, पलू रेसे छोटे छोटे ना दाल से बालक से जी मेरे ते वो न जी कच्छा मांग दिया था मन ने क्या करया जी वो जो हग्या उड़ था ना वो जी कटोरी में गाल का दे दिया इब जी नू बताओ मेरे ते जो पति परमेश्वर कब आगा वो ही तजी मांगे का पालन करूंगी ना यो जी उसने कड्डी समझ कर जी खा गया ऐ अरे पेड़ इसने मैनू कूड़िया तले ले दी नहीं नहीं ले दी वो कूड़िया तले छोड़ दे मैं सासू की छोड़ दे गो खवानिया जी आपकी बहू आपके बाटा का गु और आप न खवा दे तो कैसा लगे जी बुला तो लगेगा ये बुझण की क्या बात है मैडम जी 5 मिनट पहले पोछा मार लो आप न तो भाई साहब 5 मिनट पाछा अग लो आप हो गया समस्या का समाधान जी रही टट्टी वाली बात उस पर गेरो माटी थोड़ी बहुत तो होती रहा कर आपस में सलजेड़ा कर लो ठीक हो मैडम जी आप मैनू करूंगी मैं ना 5 मिनट बाद दे पोछा मार लिया करूंगी जी पहले ना आप हगे लिया करो ठीक है ना जी या पहले पोछा मार लेगी ना जी वो सूख जाएगा पोछा अग लेंगे जी कोई ना जी हाँ जी या हुई ना बात कुछ हाँ जी हाँ जी यो सही रहेगा जी ठीक है जी फिर राम राम जी राम राम जी राम 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 नू कह बत की सब्जी ले आई है ते आना ना ते फिर तने मां की हड्डी निकवाण दूंगा मेरी सासू की लोग मार खाओगी नूर 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 गंठे से देखते हैं भाई कोई माइक तो लगा लेने के लिए नकम्मे जब की असर ना करी जब की असर ना करी अपने बच्चों ने देख देख के नहीं तो दुखी नहीं जी मेरे बहु को यो दिखता बोले मेरा चुन्नी के पीछे माँ के आटा तो खा लिए रोटी ना सो आओ सो आओ जला रहे दू बोले जी मेरे तो यू दोबारा लूंगा ही ना मैं मैंने एक बात बता जी मैडम बोलो अरे मैडम जी जब भी है ना मैं पोचा मारू हूं ना जब भी मेरा नाश हो जाए तभी तो ले दी मैं कूड़िया तले अच्छा